हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड वी एक्सप्लेन द नंबर ऑफ नाउन जेंडर. टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर नाउन नंबर्स, लेसन नंबर 4, नाउन्स एंड नंबर. हाउ मेनी, व्हाट इज अ नाउन्स नंबर? नाउन्स नंबर जैसे आपके हिंदी में होते हैं ना वचन, एक वचन, बहुवचन, सेम एज द इंग्लिश में होता है नाउन नंबर. नाउन्स में नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? दे आर द टू टाइप्स. फर्स्ट इज अ सिंगुलर एंड सेकेंड इज द प्लूरल. दोज नाउन इज द डिनोट द सिंगुलर फॉर्म. जो नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं इज कॉल्ड द सिंगुलर फॉर्म. एंड दोज नाउन इज द डिनोट बाय द प्लूरल इज कॉल्ड द प्लूरल फॉर्म. जैसे सपोज बॉय है, बॉय क्या हुआ? एक बॉय है तो सिंगुलर. बॉय क्या हो गया? सिंगुलर. अगर प्लूरल करूँगी तो इसका क्या हो जाएगा? बॉयज. उसी तरह से गर्ल है तो गर्ल्स. चेयर, चेयर्स. इस तरह से बॉय, गर्ल सिंगुलर में है, प्लूरल में क्या हो जाएगा? गर्ल्स. क्या हो जाएगा? गर्ल्स. चेयर क्या कहा जाएगा? चेयर्स. अंडरस्टूड? दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म. ट्री है तो ट्री का क्या हो जाएगा? ट्रीज. प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा उसका? ट्रीज. देयर आर द सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म. अब आपको सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. दे आर द आई एक्सप्लेन इज द रूल. फर्स्ट रूल कि द नंबर इज द, अगर सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एस या ईएस. क्या यूज़ करते हैं? जैसे एस है, जैसे बॉय है तो बॉय में मैंने क्या ऐड किया? एस. तो क्या बन गया? बॉयज. गर्ल्स में क्या ऐड किया? एस. तो क्या बन जाएगा? गर्ल्स. ट्री में क्या ऐड किया? एस. तो वो क्या हो जाएगा? ट्रीज. सेम थिंग ईयर है, ग्लास है, इसमें क्या ऐड करेंगे? ग्लासेस. क्या ऐड किया मैंने? ईयर्स. तो वो क्या हो जाएगा? ग्लासेस. वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म. तो कन्वर्ट इनटू द सिंगुलर टू द प्लूरल फॉर्म. तो दे ऐड द एस या ईयर्स. अंडरस्टूड? अब व्हेन आर वी डू यूज द एस और ईयर्स? कैसे पता चलेगा किस में एस यूज़ होगा, किस में ईयर्स होगा? द वर्ड इज द लास्ट लेटर इज द एस, डबल एस, एस डबल एस, सी एस, सी एच, एक्स. अगर ये जो वर्ड्स होते हैं लास्ट में कंप्लीट होते हैं तो उसके पीछे क्या लगेगा? एस. या उसके पीछे क्या लगेगा आपका? एस या ईएस. अब जैसे एज ए एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे बुक्स ग्लास है, लास्ट में क्या आया? डबल एस. देखो लुक हियर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लासेस. क्या हो जाएगा? ग्लासेस. अंडरस्टूड? सेम थिंग बॉक्स है, क्लास, उसमें डबल एस आया, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लासेस. क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लासेस. सिंगुलर फॉर्म क्या है? क्लास. प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लासेस. थर्ड रूल, अगर सेंटेंस के पीछे एफ या वी ई एफ ई हो तो उसके लास्ट में क्या हो जाएगा? वी ई एस. लास्ट में अगर एफ हो, एफ ई हो तो उसका कंप्लीट हो जाएगा एफ ई. जैसे सपोज वाइफ, वाइफ में पीछे क्या आ रहा है? एफ ई. अगर इसका सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाइफ्स, डब्ल्यू आई वी ई एस. एफ ई के प्लेस पे क्या लग जाएगा? वी ई एस. सेम थिंग नाइफ है, एन आई एफ ई. इसका मुझे प्लूरल फॉर्म करना है, एफ ई लास्ट में, एफ ई कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? नीव्स, एन ई वी एस. सेम थिंग लीफ है, एल ई ए एफ, लीफ. लीफ का सिंगुलर फॉर्म लीफ, प्लूरल फॉर्म में लास्ट में क्या है? एफ. एफ को रिमूव करो, क्या बन जाएगा? लीव्स. क्या बन जाएगा? लीव्स. सेम थिंग हाफ, हाफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, लाइफ, लाइव्स. लाइफ है, एल आई वी एफ ई, एफ ई रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? लीव्स. क्या हो जाएगा? लाइव्स. अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर पीछे में एफ, लास्ट वर्ड एफ और ये एफ ई है तो उसकी प्लेस पे क्या लग जाएगा? वी ई एस. नेक्स्ट, अगर लास्ट सेंटेंस ओ है तो उसके पीछे भी क्या लगेगा? ई एस. क्या लगेगा? ई एस. जैसे दिया है पोटैटो, जैसे हुए पोटैटो, तो पोटैटो में लास्ट में क्या आपका? ओ. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? पीछे क्या लग जाएगा? पोटैटोस. क्या लग जाएगा? पोटैटोस. पीछे क्या लग जाएगा? ई एस. उसी तरह से हीरो, हीरो में लास्ट में क्या है? ओ. इसको रिमूव, क्या आ जाएगा? हीरो के आगे क्या आएगा? हीरोज़. क्या लग जाएगा? ई एस.
हीरोज। अगर लास्ट लेटर अगर ओ है तो उसका कन्वर्ट क्या हो जाएगा, हीरोज, जैसे आपकी बुक्स में दिया है, पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोस, मॉस्किटो मॉस्किटोस एंड टॉर्पेडो टैपटो। नेक्स्ट इज द सम नाउन इज द फॉर्म ऑफ द नाउन नॉर्मली। अब जिसका जरूरी नहीं है हमेशा ओ या आवे, कुछ कुछ नाउन है जिसमें सिर्फ क्या लगेगा, एस भी लग सकता है, जैसे पियानो, ठीक है, पियानो की स्पेलिंग क्या होती है, पी आई ए एन ओ, पियानो। अब उसके पीछे क्या लगेगा, पियानोस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पी आई ए एन ओ एस, पियानोस। ऐसा कोई जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि यूज़ द ऑलवेज द ई एस, एस का भी यूज़ हो सकता है। सम वर्ड इज द नाउन इज द ओ द पूरा फॉर्म, जैसे पियानो पियानोस, स्टेटो स्टोटोस, स्टूडियो स्टूडियोस, फोटो फोटोस, ड्रामो ड्रामोस। नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ वाई, लास्ट में वाई है तो उसका क्या बनता है, आई एस एंड वाई एस। अब ये कैसे पता चलेगा, एस लगेगा वाई एस लगेगा, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई रिमूव हो जाएगा, क्या लग जाएगा, आई एस। अंडरस्टूड, सेम सर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया सिटी, सिटी में वाई के पहले क्या है, टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, अगर इसका पूरा फॉर्म बने तो क्या हो जाएगा, सिटीज, क्या हो जाएगा, सिटीज। सेम थिंग अगर डायरी डायरी सॉरी वाई के आगे क्या है, आर, आर क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, उसका वाई रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डेरीज। उसी तरह से बेबी, बेबी में वाई के पहले क्या है, वाई के पहले बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो उसका क्या बनेगा, बेबीज, तो वाई हट जाएगा, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आई ई एस। अंडरस्टूड, सेम थिंग अगर वाई के पहले वॉवल, वॉवल यू नो दैट वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवल, अगर y के पहले वॉवल है तो y एट इज लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, s, एज इट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स जॉय, तो जॉय का क्या हो जाएगा, जॉयस, क्या हो जाएगा, जॉयस। स्टोरी सॉरी डोंकी, स्टोरी तो इसमें आएगा, डोंकी y के पहले क्या हो जाएगा, E, तो ये क्या हो जाएगा, डोंकीस। स्टोरी किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, कि स्टोरी की स्पेलिंग क्या होती है, एस टी ओ आर वाई, वाई के पहले क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, तो उसको क्या हो जाएगा, स्टोरीज। डोंकी में वाई के पहले क्या है, ई, जॉय के पहले, वाई के पहले क्या आया, ओ, तो वो क्या हो जाएगा, जॉयस। उसी तरह से बॉय है, बॉय में बी ओ वाई, अभी मैंने बताया वाई के पहले क्या है, ओ, ओ क्या है, वॉवल, तो उसका क्या हो जाएगा, बॉयस, क्या हो जाएगा, बॉयस। अंडरस्टूड, सेम थिंग कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका अब इसका द सम वर्ड नाउन इज द पूरा चेंजिंग द वॉवल टू, जिसके अंदर जो वॉवल है उसको आप क्या करते हो, चेंज करते हो, जैसे दिया है गूस, इसके अंदर वॉवल क्या है, डबल ओ, उसका क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गीज, क्या हो जाएगा, गीज। मैन है, मैन में वॉवल क्या हुआ, ए, इसका क्या हो जाएगा, एम ई एन, मेन। अंडरस्टूड, सेम थिंग लूज, फूट है, फूट के अंदर वॉवल क्या हुआ, डबल ओ, इसका क्या हो जाएगा, फीट। उसी तरह से टूथ, टूथ में क्या हुआ, डबल ओ, इसका पूरा फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीथ। अंडरस्टूड, मीन्स वॉवल की प्लेस पे ही वॉवल यूज़ किया है, और जो नाउन सिंगुलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। एंड लास्ट नेक्स्ट टेबल इज द कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन इज द, आई एक्सप्लेन द नाउन कंसिडर द सर, जैसे सन इन लो, सन इन लो, अब इसमें क्या हो जाएगा, सन सी लो, क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो एक्सप्लेन आई दिस इज द लास्ट वीडियो, सन इन लो, इसका अगर अगर सिंगुलर फॉर्म है तो वहाँ पे प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, लोस नहीं हो जाएगा, सन का क्या होगा, सन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्स इन लो। सेम थिंग, सेम थिंग मैड सर्वेंट, तो उसका क्या हो जाएगा,
मेड सर्वेंट्स, स्टेप मदर तो क्या आएगा स्टेप मदर्स, स्टेप मदर इन लॉ तो क्या हो जाएगा मदर्स इन लॉ, एंड द चूज क्लोज अप तो उसका क्या हो जाएगा क्लोज अप्स। नाउ नेक्स्ट इज द सम इज द फीचर्स इज द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल, कोई कोई चीज़ होती है जो सिंगुलर प्लूरल में दोनों में आती है, जैसे सीजर हुआ, स्पेक्स हुआ, शॉर्ट्स हुआ, ट्राउजर हुए, क्लोथ हुआ, क्लोथ यूज नहीं करते, क्या करते हैं आपने कोई कपड़े आपने कोस्ट लेके आ रहे कपड़ा कपड़े लेके आ रहे, ठीक है। तो उस तरह से जो वर्ड होते हैं वो हमेशा कौन से फॉर्म में यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। दिस इज जैसे न्यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, एस हुआ लेकिन मैथमेटिक्स प्लूरल फॉर्म है लेकिन यूज किस में होगा सिंगुलर फॉर्म में। सेम थिंग न्यूज़, न्यूज़ प्लूरल फॉर्म है लेकिन यूज़ किस में होती है सिंगुलर फॉर्म में। न्यूज़ के आगे क्या यूज़ करते हैं आप इज़। मैथमेटिक्स मैथ्स प्लूरल फॉर्म है उसका सिंगुलर में यूज़ करोगे आगे क्या आएगा मैथ्स इज़ ए लेंथी एलिजेब्रिक सब्जेक्ट या मैथ इज़ ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन उसके यूज़ क्या किया आपने इज़। न्यूज़ गुड न्यूज़ है, न्यूज़ प्लूरल है लेकिन यूज़ किस में यूज़ होगा आपका सिंगुलर फॉर्म में। अंडरस्टूड। उसी तरह से पॉलिटिक्स वो भी क्या हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। एंड सम इज़ अ नाउन इज़ द प्लूरल एंड सिंगुलर, कुछ कोई नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, एज द सब्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। सब्ट्रैक्ट नाउन आई एक्सप्लेन द सब्ट्रैक्ट नाउन, दोज नाउन वी कैन नॉट इज़ द टच बट ओनली सी एंड फील, जो अपने को सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं इज कॉल द सब्ट्रैक्ट नाउन, इज कॉल द हमेशा वो कौन से फॉर्म में आता है सिंगुलर फॉर्म में आता है। एंड सेम इन द मटेरियल नाउन, दोज नाउन मैटर द सम न्यू थिंग्स, जो नए चीज़ बनाते हैं इस कॉल द मटेरियल नाउन, जैसे फर्नीचर तो फर्नीचर्स क्या होगा सिंगुलर ही होगा, फर्नीचर्स वो किसके फॉर्म में आएगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। इंफॉर्मेशन क्या होगा सिंगुलर फॉर्म में आया, सिकरी सिंगल फॉर्म में, एयरक्राफ्ट सिंगल फॉर्म में। एंड सम इज़ द ग्रुप ऑफ द कॉमन नाउन, जैसे मैंने बताया था कॉमन सॉरी काउंटेबल नाउन, दिस कलेक्टिव नाउन द पीपल, पीपल क्या हुआ पीपल का लोग होता है पीपल, वो किस में आएगा हमेशा सिंगल फॉर्म में। कैटल वो भी किस में फॉर्म में आएगा सिंगुलर फॉर्म में। एंड लास्ट इज द सम इज द सिंगुलर, डियर किसी के जैसे फीस का एनिमल्स के नाम है, डियर सीप फीस दर्जन स्कोर, दे आर द सेम ऑफ द सिंगुलर फॉर्म, ये सारे किस में फॉर्म आते हैं सिंगुलर फॉर्म में आते हैं इज द। एंड लास्ट इज द टुडे एज द नाउन इज द नंबर इज द कम्प्लीट, अगेन रिपीट कर रही हूँ, दोज नाउन इज द हाउ मेनी टाइप ऑफ द टू टाइप्स ऑफ नाउन सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, दोज पर्सन एंड थिंग द कन्वर्ट ऑन डिनोट द वन थिंग्स, अगर एक चीज़ थी इसके लिए बता रहे हैं वो सिंगुलर, एंड मोर देन टू एंड थ्री वर्ड्स यूज इज कॉल्ड द प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड के पीछे क्या यूज़ करते हैं अपने एस और ईएस यूज़ करते हैं, अगर एफ और एफ ई है तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा वी ई एस, ओ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एस और ई एस, वाई के पहले कॉन्स्टेंट है तो आई ई एस, वाई के पहले वोवल है तो एट इट इज़ एस, ओनली एस ऐड होगा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो मटेरियल नाउन है वो हमेशा किसके फॉर्म में यूज़ होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो तुम्हारा लुक यस पिक्चर पेज नंबर 22 में आपके फिगर फीचर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट फीचर नाउन आर यूज इन द प्लूरल फॉर्म, जैसे ट्राउजर हुआ, स्पेक्स हुआ, शूज़ हुआ, सीजर शूज़ है, अब एक पाँव की शूज़ लाते नहीं आप दोनों पाँव में शूज़ लाते हो आप बोलते हैं शूज़, लेकिन यूज़ किस में होता है वो सिंगुलर, उसके आगे वर्ड क्या आएगा इज़ आएगा, लेकिन वो फॉर्म किसके फॉर्म में यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म में। शूज़ जीन्स वो सारे किस कौन से फॉर्म में होगा सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट सम सम इज़ अ सिंगुलर फॉर्म, जैसे सीप है तो सीप का सिंगुलर फॉर्म ही होगा सीप, डियर फीस एयरक्राफ्ट विच इज़ द सेम सिंगुलर फॉर्म एंड द प्लूरल फॉर्म, वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होगा एंड प्लूरल फॉर्म में भी यूज होगा। अब सीप का सीप्स नहीं करेंगे, सीप का सीप ही करेंगे, वर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें इज एम आर लगेगा, लेकिन हमेशा सीप सिंगुलर में भी यूज़ होता है एंड प्लूरल में भी यूज होता है। डियर है तो डियर्स नहीं करते, डियर का डियर ही रहता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है कि उसमें इज आएगा कि आर आएगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जिसमें इज कहाँ पर आएगा एंड आर कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट सेम इज अ सिंगुलर बट ऑलवेज यूज़ द प्लूरल फॉर्म, कोई कोई नंबर होते हैं जो सिंगुलर ही होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल फॉर्म, जैसे पीपल है पीपल होते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तब आप उनको बोलोगे पीपल, लेकिन यूज़ किस में हो जाएगा इज में आएगा सिंगुलर फॉर्म में आता है। एंड नेक्स्ट नाउन इज ऑलवेज अ सिंगुलर फॉर्म, जैसे सीनरी हो, फर्नीचर हो, एडवाइस हो,
जैसे एडवाइस कौन सा हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा तो वो हमेशा किस में फॉर्म में आ जाएगा। फर्नीचर हुआ, मटेरियल नाउन, वो हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। एंड लास्ट इधर नाउन द अपीयर द पूरा बट इज, कोई कोई नाउन्स होते हैं वो पूरा फॉर्म में यूज होते हैं लेकिन आप हमेशा यूज़ करते हो सिंगुलर में, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, न्यूज़ हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, ठीक है, इज कॉल्ड द सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होते हैं प्लूरल फॉर्म में, लेकिन आप इसमें यूज़ किस में करते हो, सिंगुलर्स फॉर्म में। तो टुडे हैव आई एक्सप्लेन द नाउन एंड नंबर, योर होमवर्क इज राइट द फीचर्स ऑफ द नाउन, नंबर ऑफ नाउन्स, राइट द फीचर्स ऑफ नाउन नंबर, नाउन्स में जो नंबर है उसके आपको फीचर्स लिखनी है। और आपकी बुक्स में जो टेबल्स के जो रूल्स है, पेज नंबर 20 जो मैंने आपको बताए, वो सारे ये रूल्स हैं वो आपकी बुक्स में हैं, वो रूल्स आपको लिखने हैं। राइट द रूल्स ऑफ नाउन्स नंबर एंड राइट रूल्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के आपको क्या लिखने हैं उसके रूल्स लिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व द एक्सरसाइज। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।